وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الحمد لله رب العالمين

और ऐसे मनाहिज ऐसे तौर तरीक़े जो बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं एक नौजवान जो इस्लामी तालीमत से इस्लामी अहकाम से दिलचस्पी रखता है वो परेशान है कि किस तरफ़ जाए किसको सही समझे किसके साथ बैठे किसके सामने जानव तलम करे तो ऐसे हालात में ये किताब हमारे लिए बहुत मुफीद है इस किताब में बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी लेकिन शर्त है कि आप और हम थोड़ा थोड़ा सुने लेकिन ध्यान से सुने ऐसा ना हो कि हम कुछ सुने कुछ कहें कुछ फैलाएं तो अल्लाह के पास इसका जवाब देना पड़ेगा सारों को तो जो भी हम सुनते हैं ध्यान से सुने अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमसे हक़ कहलवाए अल्लाह हक़ के सिवा कुछ न कहलवाए अगर बातें सही निकलती हैं तो मुझसे हैं और अल्लाह ताला की तरफ से हैं जो अल्लाह ने हमें तौफीक दी है अगर गलत निकलती हैं तो शैतान की तरफ से हैं हम उससे अल्लाह की पनाह चाहते हैं कल हमारे सामने जो बात थी वो अनाशीद की थी अनाशीद इस्लामी गाने इस्लामी तराने जिसे हम कहते हैं इस तरह की कोई चीज़ हमारे पास नहीं है जैसे लोगों ने बना लिए हैं और कल हमने आखिरी में एक बात पढ़ा कि सूफिया ने इस चीज़ को तरवीज दिया वो मस्त तो हो जाते हैं सर मस्त तो हो जाते हैं उनके अंदर विज वज आ जाता है वो झूमने और नाचने लगते हैं जिसम से कपड़े भी अलग हो जाते हैं अजीब कैफियत उन पर तारी होती है ये कैफियत ये वजद ये ये तर्ब इस तरह की असलाहें सलफ़ के पास नहीं थी न सलफ़ इन बातों को जानते थे साहब कराम क़ुरान सुनते थे तो कुरान से वो मुतासर होते थे लेकिन इतना मुतासर नहीं होते थे कि अल उन पर वो कैफियात तारी हों जैसे इन नाम नहात सूफियों पर तारी होती चीखने चिल्लाने लगते हैं बाल नोचने लगते हैं कपड़े फाड़ने लगते हैं जिसे उन्होंने सरमस्त का नाम रखा वजद का नाम रखा तरब का नाम रखा ये सारी चीजें सूफिया की बनाई हुई हैं तो इसीलिए कल के सवाल के जवाब में शेख मोहम्मद बिन अल अलमीन रहमतुल्लाह का एक सवाल था जो अधूरा हमसे रह गया था उसी अधूरे जवाब की तकमील <laughs> तकमील हम कर ले कर लेते हैं शेख से सवाल है हल अल इंशादुल इस्लाम क्या मर्दों के लिए जायज़ है कि वो इस्लामी तराने गाने कसीदे गाएं और क्या ये भी जायज़ है कि उन गानों के साथ उन तरानों के साथ दफ़ बजाया जाए दफ़ एक कस्म का बैंड है जो बजाया जाता है आम जो बैंड होता है उसके दोनों तरफ खाल होती है दफ़ में एक तरफ खाल होती है जैसे गलियों में कभी कभार फकीर ला लेते हैं तो ये सवाल शेख से किया गया और इसी तरह ये भी सवाल था वहल इंशाद उजाज़ुलफ़ी गैर आयाद ये इंशाद नशीद, शादियों में या ईद के अलावा के मौके पर क्या पढ़ सकते हैं तो इस तरह से मालूम हुआ कि इस सवाल के तीन हिस्से हमारे सामने शेख मोहतरम ने उसका जवाब दिया अल इंशादुल इस्लामी इंशादुलमब्ताद इस्लामी नशीद का जो टाइटल जो नाम दिया गया है वो बिदई है इस्लाम में उसकी कोई जगह नहीं है लोगों ने इसकी असलाह बना ली है युशबिहु भी हो ये सूफियों की बिदात है सूफियों ने इसे बनाया है वलिहाद यम बगी अलाअल तो मुनासब यही है कि इन चीज़ों से अपने आप को अलग रखा जाए इन चीज़ों से तो शेख महा लिखते हैं वलिहादायम बगी इला अलादुलवा़ल क़ुरान सुन्ना इन नशीद को छोड़कर कुरान क़ुरान सुन्नत को सामने रखकर आप नसीहत करें हाँ नशीत उसका इस्तेमाल कहाँ होता है शेख ने यह भी बता दिया लियुस्तान बिह अलकदामजिहादी सभी त तआला। जिहाद का मौका है इस्लामी फ़ौजियों को जोश दिलाना है वैसे वक्त में सलफ़ से साबित है साहब इक्राम ने भी अशार कहे हैं जंग बद्र और जंग हुनैन जंग उहद में ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं इसलिए कि ये खतीब वाइज एक घंटे की तकरीर से वो तासीर पैदा नहीं कर सकता जो एक शेर से एक इस्लामी शायर पैदा कर सकता है तो शेख ने कहा कि ये जंगों में चल सकता है फहादा हसन वही रशनम आमादफ़ का ना अब अदान शव और दफ के साथ इस तरह के नशीद का गाना ये सही नहीं है जैसे इसको नकल किया है फ़ताव शेख़ मोहम्मद अल्सैमीन रहम् के फ़तावे से ये बात नक़ल की गई है यहाँ तक ये जवाब ख़त्म हो जाता है तो इस तरह से ये किताब अलमना हिजुलजदी मुफीदा अनिल हिजल जदीदा ये इस किताब के दो सवाल हमने मुकम्मल कर लिए हैं तो इन जब भी हमारा ये यूट्यूब चैनल पर HGWC जी डब्ल्यू सी का जो हमारा चैनल है उस चैनल पर हमारा दर्स आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि हर दर्स जिस दिन होता है उस दिन उस सवाल को भी हम ऊपर हम लिख दें ताकि सुनने वालों को समझने वालों को आसान हो एक तीसरा सवाल जो यहाँ किया गया है ये भी आज हमारे लिए बहुत समझने की चीज़ है इसलिए कि नौजवानों में इस तरह का एक ट्रेंड है नौजवान चाहते हैं सवाल देखिए हमारे साथ क्या है मल मकसूद विक़ुलवा الواقع किसे कहते हैं यह अरबी लफ्ज़ है फ़िक तो आप जानते हैं फ़िकामयार फ़िकसम फ़िक शुरुतला यानी फ़िक फ़िक्ह शर्य्यामू तौर से फ़िक यानी किसी मसले को पढ़कर उसके जो किसी मसले से जो अहकाम मुस्तभित होते हैं वही फ़िक है यानी किसी मसले की एकदम गहराई में आप चले जाएं किसी मसले की गहराई में आप चले जाएं तो वहाँ जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं वही फ़िक है फ़िक के माने समझ है तो बहुत सारे ने फिक्लवा क्या है उसका डिफेनेशना ने दिया है शेख साल फ फौज... शेख फौज़ान हफिजल् उन्होंने कहा कि फ़ल़ नाम की कोई चीज़ नहीं बाद के लोगों ने इसे बनाया है जैसे इस्लामी नशीद के नाम से बनाया ठीक है फ़िक फ़िक्लवा से क्या मुराद है किताब सुन्नत की समझ है जो आपके समझ में आती है कि बार की समझ में आती है शेख सलेमानली उन्होंने भी ये बात कही कि आजकल ऐसा है कि एक मसला किसी आलिम से हम दरियाफ़्त करते हैं बड़े आलिम से बड़े आलिम उसका जवाब देते हैं हम वो मसला ले जाकर लोगों के सामने पेश करते हैं कि फला मसले में हमारे एक किबार किबारा में से एक बड़े आलिम का यह फतवा है तो लोग कहते हैं नहीं नहीं उनको लेटेस्ट चीज़ा नहीं मालूम तुम्हें तो क्या करना है तो लेटस्ट चीज़ें मालूम रहना तो वो आलिम से पूछना उनको फ़िक्लवा मालूम फ़िक्लवा बोले तो क्या क्या भी लेटेस्ट बोलना तुम्हारे कानों ने जो अब तक नहीं सुना है वैसा क्या भी बोलना या या उलमा की लड़ाइयाँ या उलमा के ताल्लुक़ से फतवे कमेंट्स या जमातों के ताल्लुक से इसी का नाम रखा उन्होंने फिकुल फिकलवाक़ तो, तो इसके जब यहाँ सवाल हमारे साथ क्या है सबसे पहले हम इसका सवाल हम समझ लेते हैं ये क्या सवाल है क्यों इसके ताल्लुक़ से शेख से ये सवाल था शेख ने इसका जवाब दिया तो शेख लिखते हैं सबसे पहले सवाल हम देखिए कि ये सवाल नंबर तीन शायद ालिबा है सवाल नंबर तीन और सवाल हमारे साथ है पहले हम सवाल को समझ लेते हैं सवाल है फ़िकवा से क्या मुराद है फ़िक फ़िक तो मालूम है अलवा वाक़ जो जैसे आप कहते हैं करंट सिचुएशन जो अब चल रहा है हकीकी फ़िक्र तो शेख से पूछा गया कि इसकी वजाहत फरमाएं क्योंकि इस लफ्ज का इस्तेमाल करके उसका शरा लफ्ज़ शरय लफ्ज़ मुराद लेने के बजाय लोगवी मुराद लिया जाता है मतलब जैसे ने कहा क़लिमतु तो हक़न उरीद अभी हल्बाफिल बात तो सही है लेकिन माना गलत लोग लेते हैं तो इससे क्या मुराद है तो कहते हैं कि वाद को वाद करना बड़ा मुश्किल है फ़िक्र तो फ़िक होता है कोई भी मसला आप समझते हैं उस मसले से क्या क्या चीज़ें आपके समझ में आती हैं ये सारी चीज़ें आपको मालूम जैसे एक हदीत आती है बिन जबल रज़ी अल्लाह तुकी की मैं अल्लाह के नबीसम के साथ गधे पर सवार था अल्लाह के नबीसम ने ये ये बातें मुझसे फ़रमाईं तो क्या मालूम हो इस हदीत से गधे पर सवारी कर सकते हैं समझ में आया तो कहा कि किसी मसले को आप पढ़ेंगे तो उसके सारे मसले के इस्ता से सारे मसले को बर्ड बड़ी डीप बड़ी गहराई के साथ समझेंगे तो उससे जो समझ में आता है कुरान और हदीस के मुताबिक वही फिकल वाक़ है तो उसको छोड़कर आप कहें नहीं नहीं कोई भी एक नए अंदाज में लेटेस्ट यानी ओलमा के ताल्लुक से अम्मा के ताल्लुक से जमातों के ताल्लुक से हुक्काम और औलाद के ताल्लुक से कुछ आप बोलेंगे तो आप हाँ लेटेस्ट मसले सब इनको मालूम अच्छा जो दूसरे उलमा है उनके ताल्लुक से क्या बोलते हैं उलमा को क्या मालूम काली हैस के मसाइल भी निफास के मसाइल मालूम बाकी लेटेस्ट मसाइल क्या नहीं मालूम इनको नहीं मालूम अच्छा वो मसले सब कौन जानते हैं वो जो दूसरे हैं नहीं वो लोग जानते हैं देखिए कहते हैं शेख फौजान हफिद उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि फिख जिसे हासिल का, फिख का माना क्या है समझ जिसकी समझ हासिल करने की तरगीब दी गई है वो किताबुल्लह और सुन्नत सिया की समझ है अल्लाह की किताब को समझिए और सही अहादीत से जो मसले मसाइल निकलते हैं उसे समझिए। रही बात लैंग्वेज के अतबार से तो उसको समझने की बात है तो वो मुबाहत है तो शेख ने कहा कि फ़िक किसे कहते हैं तरह उन्होंने उसकी लघवी एतबार से कहा कि लघवी एतबार से फ़िक़ का माना समझ के हैं जैसे इमाम तालबी वग़ैरह की बातें इन्होंने कही लेकिन मतलक तौर पर मुतल तौर पर आम तौर से जिसे फिक कहा जाता है जैसे कहा अमल फ़िक् इजा उतल का कमाफ़ी कौली त आला किसे कहते हैं तो शेख ने लिखा कि उससे क़ुरान की समझ मुराद है और हदीस की समझ मुराद है मैंने शेख फौजान हाफिजाल्ला को सुना उनसे ये सवाल किया गया कि ऐसा लोग बोलते हैं फ़िकवा फ़िकलवा ऐसा बोलते हैं तो शेख का ज़रा अंदाज़ बदल गया ऐसा लगा कि शेख गुस्से में आ गए शेख ने कहा ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो फ़िक वाक़े जानते हैं अगर उनसे नावाद वज़ू पूछा जाए वजू किससे टूटता है तो वो नहीं बता सकेंगे शुरू तो सलाह पूछा जाए नहीं बता सकेंगे और ला इल्लल्लाह का माना पूछा जाए नहीं बता सकेंगे शुरू तो ला इल्लल्लाह पूछा जाए नहीं बता आप लोग बता सकते हैं नहीं बता सकते लेकिन दावा क्या करते हैं हमें बहुत पर्दा ले हमको क्या मालूम हमें फिक वाक़ हम लोग बहुत पहुंचे हुए हैं तो शेख फौजान कहते हैं इन लोगों को ऐसी चीजों में हासिल करनी चाहिए ऐसी चीजों में समझ हासिल करनी चाहिए जैसे अल्लाह ताला ने कहा लिया तफक्कुहु फिद दीन ये लोग दीन की समझ हासिल करें जैसे अल्लाह ताला ने सूरह अतौबा आया नंबर 132 जिसमें अल्लाह ने कहा लिया तफक्कुहु फिद दीन दीन की समझ हासिल वाकोलो करो व कौलहु तआ व कौलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिद अल्लाह बिही अल्लाह किसी के साथ अगर अच्छा चाहता है तो दीन की समझ उसे आता करता है दुनिया तो हर एक को मिल जाती है लेकिन दीन की समझ आपको मिल गई तो अल्लाह ने आपके साथ अच्छा चाहा है तो जिसके साथ अल्लाह अच्छा चाहता उसे यहाँ लाता है जिसके साथ नहीं ला चाहता उसे वहाँ घुमाता है तो जो यहाँ आता है उसका मतलब ये कि अल्लाह उसके साथ क्या चाह रहा है बेहतरी चाह रहा है तो ये अहादीत हैं इसी तरह और एक आयत जो शेख ने यहाँ लिखा है سوره المنافقون ايه نمبر 7 فما لها اولاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا हर एक में फिक फिक के माना क्या समझ कौन सी समझ कुरान और हदीस की समझ कुरान और हदीस की समझ यही सलफ सम, समझाते हैं और बाकी जो लोगों ने बना लिया है कि फुला शेख को लेटेस्ट मसले मालूम लेटेस्ट मसले बोले तो क्या लोग आकर मुझसे बहस करते फ़लाँ शेख रबी के बारे में आप क्या बोलते हैं अरे शेख रबी के बारे में हम लोग बोलने वाले हैं उतने बड़े बड़े के बारे में हम जबान खोलेंगे फलाँ शेख ने उनके बारे में क्या कहा अरे अल्लाह आपसे तो नहीं पूछेगा अल्लाह ताला आपसे नहीं पूछेगा कि शेख मदख़ली के बारे में या शेख उसमी के बारे में सुहमी ऐसे मशाइ जिनसे आपने इल्म सीखा है और ये लोग अल्लाह ने इनको वहां रखा है जहां से इल्म का नूर फैलता है तो आप इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे तो आदमी पहले इल्म हासिल करे अगर ऐसे उलमा के बारे में अगर कोई कमेंट करता है ऐसी बातें कहता है और इसी जस्तजु में रहता है तो समझ लो कि ये फितने में मुबतला हुआ है अल्लाह ने इसे क्या किया है फितने में मुबला किया है ये देखिए अलमुरादिद लाकिन अलमुनाफिकायफ ला कहूँ तो ये दो आयतें यहाँ इन्होंने लिखा एक सूरत आय नंबर सेवेंटी एट और एक सूरतमुनाफिक आयत नंबर ये सेवन तो उसके बाद शेख लिखते हैं अलमुराबिदाक दीन फ़िख से मुराद दीन के शरीय अहकाम को जानना यही मतलूब है जब भी फिक कहा जाता है कि आप कुरान को समझते हैं हदीस को समझते हैं और मुसलमानों पर यही वाजिब है कि वो कुरान और हदीस को समझें सीखें बाकी जो बड़े बड़े मसाइल हैं वो के हवाले हैं लेकिन जैसे ये लोग कहते हैं ये जो लेटेस्ट लोग फिकुल वाक़े से वो लोग क्या मुराद लेते हैं अल अश्तगा सियासिया पॉलिटिकल उसमें आप जैसे आप इंग्लिश में बोलें धूम धाम चीखें अभी तो लोग परेशान हैं जुमा सुनने जाते हैं चीखें के वापस आते हैं लोग परेशान हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि हम जुमा सुनने बैठ रहे हैं चीख पुकार सुनने बैठ रहे हैं सौ साल से आप लोग क्या कर रहे हैं क्या करना शेट निकाल के बाहर निकल जाना आप इस मुल्क में हैं आप माइनॉरिटी में हैं आपकी मेजॉरिटी नहीं है हा? तो आप क्या करेंगे शेट निकाल के गलियों में निकलेंगे तो ये सलब से मनहज की दूरी का नतीजा है सलब से मनहज की दूरी का नतीजा है तो इसीलिए कहते हैं वो अलश्ताल भी इस सियासिया अपने आप को पॉलिटिकल इसमें इन्वॉल्व करना व सियासी लोगों में उस प्लाटफॉर्म को लेके लोगों में उभार पैदा करना अरे ऐसा करो वैसा करो कहा इसे फिक्ख उलवा बोलते हैं औकाम अपना सारा टाइम इसे सर्व करना करंट सिचुएशन क्या है, है? है? हु अकबर घर में बीवी मां तड़पते रहेंगे जरा बच्चा आया तो क्या तुम तो मंगा लेंगे नहीं लेकिन सारा सारी जहाँ का दर्द मेरे दिल में है क्या बोलते हैं सारे जहां का दर्द मेरे दिल में है ऐसी बात नहीं है लाकल्फाफ सन अल्लाउस अल्लाह ताला आपसे सारे लोगों के बारे में नहीं पूछेगा जितना अल्लाह ने आपको मुकल्लफ किया उतना ही पूछेगा तो आप ऐसे चीज़ों में अपने आप को न लगाएं जो आपके लिए मुफीद नहीं है तो इसीलिए यहाँ कहते हैं आगे चलकर शेख ने लिखा अम्मा फिकुल अहकाम फिक् फिकुल जुजियात गौर से सुने ये जो लोग फिक् की दो तकसीम करते हैं एक अहकाम और एक फ़िक्लवा फ़िकलवा से मुरादी लोग क्या लेते हैं क्या क्या बोलते हैं फ़िक्लवा़ बोले तो पॉलिटिकल और ये येमा जमातें और सियासी जमातें ये सारी चीज़ें अहकाम बोले तो फ़िक के जो अहकाम हैं फ़िक्ल है, है नफास ये छोटे लोग जानते हमें बड़े बड़े इशू जो मेजर इशूज़ हैं उस पर हम बात करते हैं हम बड़े आदमी हैं छोटे छोटे मतलब नमाज के अहकाम शुरू तो ये सब उनकी नजर में क्या है छोटी चीजें छोटे हम जैसे उलमा जानते अब बड़े बड़े मेजर इश्यूज जानना बोले तो बड़े होना तो ये अजीब बात है ये अजीब बात है अजीब लोगों ने अपनी मंतिक बना ली है तो हम अपनी बात को खत्म करते हैं यह लास्ट ये है जरा गौर से सुने तबयन अनफिकल अकसाम शेख के जो शागिरद हैं फ्र उन्होंने आ, उसका आखिर में ये लिखा है कि इसका ख़ुलासा लिखा उसको खुलासे को ख़त्म करके हम बात ख़त्म करते हैं फिक कई टाइप की होती है का माना क्या समझ फिक कई टाइप की होती है फिक बिमा फहमिल किताब किताबी व सुन्ना सीधा साधा माना फ़िक का ये कि आप किताब व सुन्नत की समझ आपको हासिल हो अभी जितने अभी कुरान का हाफ़िज़ है उसे कुरान के हाफिज हैं वो लेकिन उनको कुरान की आयतें उनको नहीं मालूम। आप बिस्मिल्लाह का माना उनसे पूछें कि बिस्मी इसमी इससे पहले क्या महजूफ़ है अल्लाह क्या है रग़ जलाला है उसका क्या माना है इसम क्या है वहाँ क्या महजूफ़ है उनको नहीं मालूम तो फ़िक का सबसे पहला मतलब यह है कि आप अल्लाह की किताब और सुन्नत की समझ हासिल करें फहम समझ हासिल करें वस्तम बातुमा अहकाम को उससे निकालें यह एक आयत आप पढ़ते हैं तो उससे आयत कुरान मजीद में एक वायत है, है, आयत है अलवसाशर दस वसीयतें कुरान मजीद की आयत हैं तो फिक का पहला मतलब यह है कि आप कुरान हदीस की समझ हासिल करें उसे समझें उसके बाद एक और चीज है फिको तिल अरबिया यानी रबी जो जबान है कुरान की जबान है हदीस की जबान है उसका उसका इल्म हासिल करें उसमें क्या क्या आप इल्म हासिल करेंगे नहु, ग्रामर सर्फ ये भी ग्रामर है फाला फाला फालू हाँ अब तक तो गर्दन आप लोग सीख गए होंगे इतनी मेहनत से जाते हैं रोजाना हाँ सीख ले गर्दन हाँ तो ये ये भी ये भी फिक्र में आता है अच्छा उतने पर नहीं हुआ हो उसके बाद और भी है मिजान है सारे मिजान है आ, आ, लंबे, लंबा किस्सा है आ? तो बलागा उसी के साथ फिक फिक्लुगा में जो चीज आती है बलागा आती है बलागा क्या है बलागा कैसे आप प्रेजेंटेशन करते हैं जबान में आपकी जबान में जो मिठास होती है जैसे अंग्रेजी में एक ही चीज को आप बोल सकते हैं लुक देर उसी को आप बदल कर भी बोल सकते हैं। हाँ, वाच सी आप अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही चीज को इसी को बलागा कहते हैं अच्छा व इश्त व वन एक ही अल्फाज के कई चीजें मुश्तक होती हैं निकलती हैं हाँ, तो कादिमा आना हाँ, यक दो यानी आगे लीड करना दोनों का अल्फाज जैसे आप दूसरे फॉर्मेशन में ले जाएंगे तो माना बदल जाएगा तो ये सारी चीज़ें हैं ये ज़बान की फ़िक है ये भी आपको मालूम होना चाहिए फ़िक हो मुलाबसा तिल व नज़ुल इसी तरह एक और फ़िक होती है जो अल्कवा व नज़ुल करंट सिचुएशंस अचानक कोई मामला आ गया ऐसे मामलात में आपको क्या करना चाहिए आपका इन्वॉलमेंट इसमें कहाँ तक होना चाहिए ऐसे बहुत सारे मसाइल आते हैं अचानक अचानक हाँ, जैसे कोविड का मसला आया था इसमें मैयतों को नहलाने का मसला आया हॉस्पिटल से पूरी मैयत पैक होके आती थी आप टच नहीं कर सकते थे अब उनके जनाजे का मसला कैसा है यहाँ खीम मस्जिद के पास जो इलाका है एक बूढ़ी साहबा अल्लाह ताला उनकी मकफिरत करे ऊपर से नीचे गिर गई हाँ, इंतकाल हो गया लाश इस काबिल नहीं रही कि उसे नहलाया जाए आप क्या करेंगे या ऐसे बहुत सारी मैयतें बिल्कुल जल के आ जाती हैं उसे कैसे आप नहलाएंगे, गसल कैसे देंगे तो ऐसे बहुत सारे ऐसे हालात आते हैं तो उस पर आपको फ़ौर हुक्म लेना होता है उलमा उसी बारे में हालात को देख कर आप वहाँ जो हैं उनसे आप पूछेंगे ये नहीं होगा कि आप मक्का फ़ोन करें ये मसला ऐसा है उनको कैसे मालूम अरे यहाँ जो आलिम आपके साथ है वो देखेगा कि मसला क्या है क्या हालत है वो हदीस के मुताबिक आपको क्या करेगा देखेगा ये फिक है कितने हुए तीन अमायू सम अजान के लिए टाइम इंपॉर्टेंट है।, है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दो मिनट है सात मिनट के बाद अजान के बाद दस मिनट टाइम रहता हमारे पास है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको हम खत्म कर लेते हैं अमायक ये जो लोग फिक्लवा का नाम जो देकर क्या मुराद लेना चाहते हैं इनकी क्या मुराद है हमने तीन बातें तो बात बता दी इनकी क्या मुराद है भी बेमूर सियासा लोगों को पॉलिटिकल इश्यूज में बिजी रखना वन हुक्काम रूलर के खिलाफ उकसाना जो भी रूलर हैं उसके खिलाफ क्या करना उकसाना व इसारतुलफित फितनों को हवा देना

व अलसु बिहा बिहिहाद अल्सन मिन अजली तलबी से अलन्नास लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए उन्होंने क्या किया यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया फ़िख़ुलवा ठीक है यह लफ्स कैसा शुरू हुआ कहाँ से आया हर लफ्ज़ की एक असल है इसीलिए लिखते हैं वलई सहादा जदीदिन फ़िख़िलवा यह फ़िक्लवा का जो लफ्ज़ है नया नहीं है पहले इसे किसने लाया तो फसल फसलफहुम व इमाम इमामहुम सैयद कुतुब सैयद कुतुब साहब ने उन्होंने अपनी जो तफसीर लिखी उस तफसीर में इन्होंने लिखा जो सूरह यूसुफ की जो आयत है इजअलनी अला खजाइनल अर्थ इन्नी हफीजुन अलीम ये जो कुरान की आयत है ये आयत नकल करने के बाद तफसीर में उन्होंने कहा لقد نشअ الفقه الاسلامي في مجتمع مسلم ونشا من خلال حركه هذا المجتمع في مواجهه حاجات الحياه الاسلاميه الواقعيه انہوں تفسير میں سید خطب نے اپنی تفسیر میں الواقع فقه الحركه ہے في اخوانی حركة، الحركه ہے ہاں آه حرکت اسلامی اس اسی, اسی نام تو अख्तिला औरक ये जो फ़िक की बात मैं कर रहा हूं ये डिफरेंट है औराख के फ़िक से औराख़ क्या है किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल की फ़िक है इन्होंने अलग बदल कर एक नाम रखा तो आ, वहां आगे चलकर उन्होंने एक, एक बात एक, एक बात उन्होंने बताया है मैंने सोचा कि इसको आपके सामने रखूं ताकि अच्छी तरह आपके आ, समझ में आ जाए ये सारी चीज़ों तो आपके समझ में आ गई सैद कुतुब ने ये जो सूर यूसुफ की आयत आयत नंबर पचपन में इजान अज़ा इन्नी हफीज़ुल अलीम ये जो आयत है कि यूसुफ़ आ सलाम ने कहा कि मुझे आप वज़ी ख़ज़ाना बना दें इसके बारे में मुझे अच्छा इल्म है तो इसी की ये करते हुए ये लिखते हैं कौन सैद कतुब लिखते हैं और यहाँ एक नोट भी शायद ये नोट आ, इन्होंने डाला है शेख इनायतुल्ला ने ये वो डाला है वो क्या लिखते हैं यही वो आयत करीमा हैं यही वो आयत करीमा हैं जिसके तहत बानी जमात इस्लामी मौलाना आला मौदूदी ने मौदूदी ने हुकूमत इलाहिया करते हुए हुकूमत साबित करते हुए अल्लाह के नबी यूसुफ आलाम के बारे में लिखा है यह सिर्फ वजीर मालियात फाइनेंस मिनिस्टर के मनसब का मुतालबा नहीं था यूसुफ आलाम ने कहा कि मुझे वजीर खजाना बना दीजिए जैसा कि बाज लोग समझते हैं बल्कि ये डिक्टेटरशिप का मुतालबा था ये सारी बातें किसने लिखी है मधुजी साहब ने लिखी हैं और उसके नतीजे में सैदना यूसुफ अली सलाम को जो पोजीशन हासिल हुई वो करीब करीब वही पोजीशन थी जो उस वक्त इटली में मसोलिनी को हासिल है तो किससे कंपेयर किया इन्होंने मसोलिनी को कम मसूलिन तो हम लोग जानते हैं नहीं देखिए आखिर में बात ख़त्म करते हुए कहते हैं गौर करें गौर करें कि नाम हुकूमत इलाहिया साबित करने के लिए नबी मासूम यूसुफ़ आम को मसूलूनी जैसे डिकटर और शफाक शख्स से इक्वल करना तशबी देना बराबर करना या मुजना करना जिसका ईमान और जुल्म आकदा जोर दुनिया को मालूम है किस कदर अफसोसनाक है समझ में आया तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस तरह का अम्बिया को किसी के साथ इस तरह क्या नहीं करना चाहिए कंपेयर नहीं करना चाहिए तो मुझे उम्मीद है कि आपको फ़िक्लवाक़े के बारे में सरसरी मालूम हो गई होंगी इन कल के दरस में हमारे साथ एक नया सवाल के साथ हम कल के दरस में हम शामिल होंगे सवाल है कि इस दुनिया के गोशे गोशे में मुख्तलिफ जमातों के बारे में हम सुनते हैं उनका क्या हुक्म है अगर वो शर्क नहीं करते हैं तो क्या उनके साथ मिलकर हम काम कर सकते हैं तो इसी के ताल्लुक से हमारी अगली मजलिस का सवाल है इसका जवाब कल के दर्ज में हम सुनेंगे अल्लाह ताला हम सब को हक़ पर कायम दायम रखे आमीन वसलम आईकूम वरमि बरक